देखिए वृक्षारोपण करना चाहिए। जितना वृक्ष हम संभाल करके रखेंगे, अगर हमारे गांव में, हमारे आजकल तो शहर में वृक्ष देखना ही मुश्किल है, एक दो भी वृक्ष नहीं दिखते। जितना हम वृक्षारोपण करेंगे उतना ही हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर हम पौधा लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे, तभी जा करके हमें ऑक्सीजन मिलेगा। सुंदर वातावरण वृक्ष से ही निर्मित हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि साल के एक बार तो एक वृक्ष स्वयं द्वारा आप लगाएं अपने घर में, अपने बगीचे में। वैसे आपके क्षेत्र में तो बहुत से वृक्ष हैं, आप लोग लगाए हैं। और मुझे एक और बात यहाँ की अच्छी लगी, आप लोग अपने खेत में सब्जियाँ भी उगाते हैं और अपने घर में स्वयं द्वारा उगाया हुआ सब्जी खाते हैं, कितनी अच्छी बात है। नहीं तो शहर में जाओ, वहाँ पर सब्जी ऐसे नहीं मिलता, खरीदना पड़ता है, उसमें भी विविध प्रकार के औषधियाँ डाला होता है। इसलिए तो आजकल के लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, लेकिन गांव की बात तो यही अच्छी। और एक और बात, भाभी जी जहाँ रुकी हूँ वहाँ बता रहे थे कि हम तो धान भी स्वयं बनाते, चावल भी अपने घर के ही खाते हैं, गेहूँ भी अपने घर के खाते हैं। एक बार आप सभी लोग अपने लिए जोरदार ताली तो बजाओ। यही कारण है गांव के लोग बीमार नहीं होते। जब कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा था, कोरोना के समय में भी ज्यादातर शहर के लोग ज्यादा से ज्यादा बीमार हुए, लेकिन गांव में बहुत कम संख्या में मरीज पाया गया। कारण क्या है? गांव में हर एक चीज शुद्ध निर्माण होता है, सब्जियां स्वयं उगाना, घर के आसपास वृक्ष पौधा लगाना, तुलसी लगाए हैं, और लकड़ी नहीं, गोबर, क्या कहते हैं, गोबर गैस है ना, गोबर से, गाय के गोबर से गैस बनाते हैं। एक जो गोबर का वो बोलते हैं ना, जो सुखा के आप रखते हैं, जिसको जलाते चूल्हे में, गोबर को जलाने से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन वहाँ से निकलता है। इसी कारण गांव में ज़्यादा बीमारी है ही नहीं। और इन गांव वालों से, गांव के लोगों से शहर वालों को भी बहुत चीज़ सीख लेना चाहिए।